नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में। ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, ग्लोबल मार्केट हमारे मार्केट के किस डायरेक्शन में जाने का संकेत दे रहा है। देखिए यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में हम बात करें तो मेजर इंडेक्स जो है वो निगेटिव है, निफ्टी 50 हमारा निगेटिव है यहाँ पर देखिए। उसके बाद डाउ जोन्स देखे तो ये भी निगेटिव है, 2.82% डाउन है। नेस्डेक ये भी 2.55% डाउन है। मतलब ग्लोबल मार्केट में हम देखें कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो कि हमें पॉजिटिव दिख रहा है। देखिए बोस्पा 2.86% डाउन है। नीचे चलते हैं डेक्स 2.48%, एफटीएससी 100 देखिए 1.39%। देखिए यूरोपियन मार्केट डेक्स हो गया, एफटीएससी 100 हो गया, फिर सीएससी 40 हो गया। देखिए ये सारा जो यूरोपियन मार्केट है वो भी निगेटिव है। अमेरिकन मार्केट नेस्डेक हो गया, डाउ जोन्स वो भी निगेटिव था। यहाँ पर देखिए ओवरऑल सारे के सारे जो ग्लोबल मार्केट है देखिए पूरी तरह से निगेटिव दिख रहा है। तो नीचे चलते जाते हैं, अब देखिए निकी जापान 1.63%, ये भी डाउन है। चाइनीज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, शंघाई देख सकते हैं ये। लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है पूरी तरह से निगेटिव है, तो निश्चित रूप से हम क्या होंगे, गैप डाउन ओपन होंगे। मतलब जो हमारा फर्स्ट हाफ होने वाला है वो पूरी तरह से निगेटिव होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए लेवल देख लेते हैं, तो डाउ जोन्स देखिए पूरी तरह से यहाँ क्रैश हुआ है, जैसा कि परसेंटेज में आपने देखा 2% से ज़्यादा टूटा है डाउ जोन्स। तो निश्चित रूप से हमारा मार्केट भी टूटेगा, या हो सकता है हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुए। और डाउ जोन्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट है, तो अगर गिरावट कंटिन्यू रहता है तो फिर हमारा मार्केट भी लगातार गिरेगा। यहाँ पर देखिए हमारा गिरावट फर्स्ट डे हुआ है, जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को जो मार्केट निगेटिव था उसका इम्पैक्ट हमें कल ओपनिंग के समय दिखेगा। ओपनिंग के समय तो ये निगेटिव हो सकता है ओपन हो, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट हमें निगेटिव दिख रहा है। उसके बाद किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है उसके अनुसार हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सपोर्ट रीजन है वो है 16,840 का, और जो रेसिस्टेंस रीजन है 17,440 का। तो ये इस रीजन को जब तक ब्रेक नहीं करता है, अगर नीचे ब्रेक करता है तो बेरिश हो जाएगा निफ्टी, ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। लेकिन ऊपर जो है थोड़ा सा यहाँ ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी है, इसको ब्रेक करता है तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इस तरह से। अगर ये यहीं से नेक लाइन ब्रेक करता है, यहीं से सपोर्ट लेकर के अगर निफ्टी ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है, ये नेक लाइन हो गया, मतलब ट्रेंड लाइन का है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट होगा। तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, ये जो सपोर्ट रीजन है, तो फिर ये पैटर्न जो हमारा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से निगेटिव है, हम गैप डाउन ओपन होंगे, लेकिन उसके बाद प्राइस एक्शन किस तरह से बनता है उसके अनुसार हम ट्रेड करेंगे। वही बैंक निफ्टी बात करें तो बैंक निफ्टी भी इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो नीचे की ओर ब्रेक करेगा 35,000 के लेवल को, तो हम पूरी तरह से बेरिश हो जाएंगे। अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 38,800 को, तो हम फिर बुलिश हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि आपको याद रखना है, ये डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो ये ब्रीफ में मैंने डिस्कस किया ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट के अनुसार हमारा मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है मंडे के ओपनिंग को, तो उस अनुसार से आपको ट्रेड करना है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट को लगातार ट्रेक करना है, क्योंकि मार्केट सारे के सारे जो ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर नीचे के रेंज को ब्रेक होता है, जैसे निफ्टी हमारा ब्रेक करता है, निश्चित रूप से हम यहाँ पर मार्केट में बेरिश हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है 16,840 का, फिर यहाँ पर 15,640 का, 15,640 के ब्रेक होने के बाद हम पूरी तरह से बेरिश हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।